Hello students, how are you? Hope you all are fine. Stay back home and be safe. Today I am going to start with economics. In that I have taken the topic theory of demand. First, anyone knows what is demand? We all demand at home. घर पे हम सब demand करते हैं. We demand from our parents, from sisters and brothers. हम अपने घर पे डिमांड करते हैं अपने सिस्टर्स से, अपने ब्रदर्स से, अपने पेरेंट्स से. बट इन इकोनॉमिक्स वी डिडंट कॉल इट एज डिमांड. इकोनॉमिक्स में हम उसको डिमांड नहीं कहेंगे. इकोनॉमिक्स में वो सिर्फ एक डिजायर है या एक विश है कॉमोडिटी की. डिमांड इन इकोनॉमिक्स इंक्लूड डिजायर और द विशेस. विद दैट इट इंक्लूड्स टू मोर थिंग्स, ability to pay and willingness to pay. ability to pay means what? आप कितना चीज को परचेज कर सकते हो, आपकी कितनी एक्स्ट्रा इनकम है कि आप उस चीज को परचेज कर पा रहे हो. दैट इज देयर परचेजिंग पावर. व्हेन आई इंक्लूड दीज फर्स्ट टू पॉइंट्स इट विल टर्म इट एज वॉन्ट्स और इफेक्टिव डिजायर. स्टिल इट इज नॉट अ डिमांड. जब हम ये दोनों पॉइंट्स इंक्लूड कर रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या बन रहा है? इफेक्टिव डिजायर. और वी कैन कॉल इट एज वॉन्ट्स. आवर विशेस और डिजायर्स विल बिकम आवर वॉन्ट्स. बट इफ वी इंक्लूड दीज थ्री पॉइंट्स, डिजायर्स और द विशेस फॉर अ कमोडिटी, एबिलिटी टू पे और परचेजिंग पावर, प्लस विलिंगनेस टू पे. विलिंगनेस टू पे मीन्स रेडी टू पे. If we include these three things together, then only in economics we call it as demand. Is that clear? The difference between desire and demand. Okay. Now I move further for taking the second topic, factors affecting demand. Demand किस किस चीजों से affect करता है? जनरली वी ऑल नो डिमांड हमारी सबसे बड़ी चीज ऑब्जेक्ट की प्राइस के ऊपर डिपेंड करेगी. करेगी कि नहीं करेगी? बिकॉज प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज टू हाई इन अ नॉर्मल सिनेरियो ऑल्सो. इन अ नॉर्मल वर्ल्ड ऑल्सो यू विल सी इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज टू हाई, सो मेनी पर्सन्स आर देयर हु आर नॉट एबल टू परचेज इट. अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी बहुत हाई होती है तो लोग उसको खरीद नहीं पाते. बट अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी लो है तो ज्यादा जने उसको क्या कर पाएंगे? परचेज कर पाएंगे. देयरफॉर द फर्स्ट पॉइंट इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी. दैट इज व्हेन प्राइसेस आर हाई द डिमांड इज लो. व्हेन द प्राइसेस आर लो द डिमांड विल बी हाई. सेकेंड पॉइंट इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर. वी कैन रिप्रेजेंट इनकम विथ वाई. इनकम इट इंक्लूड्स फ्रॉम द टू गुड्स, नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल गुड्स मींस द गुड्स ऑफ गुड क्वालिटी. इंफीरियर गुड्स मींस द गुड्स ऑफ लो क्वालिटी गुड्स. जब हमारी इनकम ज्यादा है तो हम गुड क्वालिटी गुड्स की डिमांड भी क्या करेंगे? वी डिमांड मोर. बट अगर हमारी इनकम कम है, इफ आर इनकम इज लेस, तो गुड क्वालिटी गुड्स हम खरीद नहीं पाएंगे, तो डिमांड भी क्या हो जाएगी? लेस. इन द सेम वे इंफीरियर गुड्स इफ वी आर टॉकिंग अबाउट, इफ द इनकम इज हाई वी आर नॉट गोइंग टू परचेज द लो क्वालिटी गुड्स. अगर हमारी इनकम ज्यादा है तो हम लो क्वालिटी गुड्स नहीं खरीदेंगे. देन इन दैट केस द डिमांड विल बी लेस. The third point is size of population. If population is more, the demand will be more. Number of persons are more means they will demand more. If the number of persons are less, the demands will be less. Fourth point is season and climate. For example, I have taken the rainy season over there. In a rainy season, demand for umbrella is more. You all know that? Demand is more for the umbrella. Is it true? Because we need more
अम्ब्रेला बिकॉज दैट्स अ रेनी सीजन इन विंटर्स वी नीड अम्ब्रेला नो इट मींस सीजन आल्सो अफेक्ट्स द डिमांड द लास्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट मींस टैक्स इंक्रीजेस आवर प्राइस ऑफ द गुड्स इंक्रीजेस विच लीड्स टू डिमांड डिक्रीजेस मींस गवर्नमेंट इफ चेंजेस द टैक्स पॉलिसी आवर डिमांड इज आल्सो अफेक्टेड हेंस These are the 5 points which we have included to know factors affecting demand. Thank you. Hello students, today I'll start with types of demand. First one is joint demand. That is, the demand for one commodity leads to the demand for another commodity. Example, pen and ink. जब हम एक चीज़ की कमोडिटी की डिमांड करते हैं तो उसके साथ हमको कई बार दूसरी चीज़ भी चाहिए होती है दैट इज़ वाई वी कॉल इट एज जॉइंट डिमांड पेन की डिमांड करते हैं तो वी नीड एन इंक ऑल्सो इन इकोनॉमिक्स वी कॉल दैट टू गुड्स विच वी डिमांडेड टूगेदर दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स सेकेंड वन इज कॉम्पिटेटिव डिमांड कॉम्पिटेटिव मीन्स पेन टू गुड्स are close substitutes for each other. For example, tea and coffee. ये हमारे ऊपर depend करता है कि हम coffee पियेंगे या tea पियेंगे. Means हमारे पास substitutes हैं. Coffee और tea के बीच में एक तरीके का competition market में होता है. When the price for the coffee rises, indirectly the demand for the tea will be increased. जब कॉफ़ी का प्राइस बढ़ता है तो टी के डिमांड क्या हो जाती है बढ़ जाती है क्यों क्योंकि कॉफ़ी हमारे लिए एक्सपेंसिव हो गई इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं कॉम्पिटेटिव डिमांड एंड इन इकोनॉमिक्स दीज टाइप ऑफ गुड्स आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूट गुड्स थर्ड वन इज डायरेक्ट डिमांड दैट इज डिमांड फॉर द कंज्यूमर गुड्स मीन्स जो हमारे री डिमांड्स डायरेक्टली सेटिस्फाई करें दैट इज डिमांड फॉर द फूड डिमांड फॉर क्लोथ इफ वी कन ईट फूड आर वॉन्ट्स आर सेटिस्फाइड आर डिजायर्स आर सेटिस्फाइड दैट इज वाई वी कॉल इट एज डायरेक्ट डिमांड द फोर्थ वन इज डिराइव डिमांड मीन्स वेन अ थिंग इज नीडेड फॉर प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स देन ओनली यू विल डिमांड I've given the example demand for carpenter. When we need a table, then only we demand for the carpenter. जब हमको table चाहिए होता है तभी हम carpenter की demand करते हैं उससे पहले हम carpenter की demand नहीं करते That types of demand we call it as derived demand. Thank you students. Hello students. Today we will learn about demand schedule. Demand schedule क्या है It is a table that shows different prices of a good and the quantity of that good demanded at each price during a given period of time. इसका मतलब क्या है डिमांड शेड्यूल एक टेबल है विच शोज क्या शो करता है डिफरेंट प्राइजेस ऑफ अ गुड्स अलग अलग प्राइस के गुड्स पे कितने गुड्स डिमांड हो रहे हैं दैट इज डिमांड शेड्यूल देखिए मैंने टेबल भी ड्रॉ करा है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड QD इज क्वांटिटी डिमांडेड इस पर क्या शो हो रहा है डिफरेंट प्राइजेस पे डिफरेंट गुड्स डिमांड हो रहे हैं व्हेन प्राइस इज 5 क्वांटिटी डिमांडेड विल बी 2 व्हेन प्राइस इज 4 क्वांटिटी डिमांडेड विल बी 3 ये क्या शो कर रहा है कि अलग अलग प्राइस पे अलग अलग गुड्स डिमांड होते हैं तो जब हम किसी टेबल पे प्राइस और क्वांटिटी डिमांड रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं डिमांड शेड्यूल नाउ डिमांड शेड्यूल इज ऑफ टू टाइप्स फर्स्ट वन इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड सेकेंड वन मार्केट डिमांड शेड्यूल इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है इट शोज द डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कॉमोडिटी परचेज्ड बाय अ पर्सन एट डिफरेंट प्राइजेज इन अ मार्केट
इसका मतलब क्या है, जब एक इंडिविजुअल पर्सन कितना डिमांड कर रहा है गुड्स की एक पर्टिकुलर प्राइस पे, उसको हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। मार्केट में अगर हम एग्जांपल लें एक पर्सन के बारे में, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, कि एक पर्सन किस किस प्राइस पे कितने गुड्स खरीद पाता है। नेक्स्ट इज मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल, इट शोज द टोटल डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम एट डिफरेंट प्राइजेस। ये क्या शो करता है, टोटल डिमांड। टोटल डिमांड मींस मार्केट में एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी की डिमांड क्या है। देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, ए एंड बी टू कंज्यूमर्स आर देयर इन द मार्केट। मैंने एग्जांपल लिया मार्केट में सिर्फ दो ही कंज्यूमर हैं, ए और बी, जिसके टेबल पे मैंने शो किया है ए अलग गुड्स डिमांड कर रहा है सेम प्राइस पे, बी अलग गुड्स डिमांड कर रहा है। जब प्राइस वन है टेबल पे, हम देख रहे हैं क्वांटिटी डिमांडेड बाय ए कितनी है, फोर, और बी कितनी कर रहा है, सेवन। उसी तरीके से जब प्राइस टू हो गई तो ए कितनी डिमांड कर रहा है, फाइव, और बी कितना कर रहा है, एट। इट मींस व्हाट, अलग अलग कंज्यूमर्स अलग अलग प्राइस पे अलग अलग गुड्स को डिमांड करते हैं क्योंकि उनकी इनकम अलग अलग होती है। तो अगर हमको मार्केट डिमांड शेड्यूल निकालना है तो मार्केट में जितने कंज्यूमर्स हैं सबकी डिमांड को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ए और बी दोनों की डिमांड हमने ऐड कर दी क्योंकि हमने क्या एग्जांपल लिया था कि मार्केट में दो कंज्यूमर्स हैं। इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या है? द कर्व विच शोज द रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी एंड द अमाउंट ऑफ दैट कॉमोडिटी द कंज्यूमर विशेस टू परचेज इज कॉल्ड डिमांड कर्व। इसका मतलब क्या है, वो कर्व जिसमें हम क्या रिलेशन शो करते हैं, प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी एंड द अमाउंट ऑफ कॉमोडिटी परचेजेस बाय द कंज्यूमर। मतलब क्या है, जो कर्व शो करता है, क्या शो करता है, किस प्राइस पे कितने गुड्स कंज्यूमर ने परचेज किए हैं। देखिए लेफ्ट साइड पे मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, ओ एक्स एक्सिस आई हैव टेकन क्वांटिटी डिमांडेड, ओ वाई एक्सिस आई हैव टेकन द प्राइस। व्हेन द प्राइस इज थ्री, जब प्राइस थ्री था क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, ओनली टू। व्हेन द प्राइस इज टू उस समय क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, फोर। जब प्राइस वन है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गया, सिक्स। तो जब हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन करा है तो व्हाट वी गॉट, डीडी कर्व, दैट इज डिमांड कर्व। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डिमांड कर्व। नाउ डिमांड कर्व इज ऑफ टू टाइप्स, इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व का मतलब क्या है, हमने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, जब हम क्या कर रहे थे, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड क्या है किस प्राइस पे। तो जब हम एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड को कर्व में शो करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। देखिए उसी के नीचे मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, ओ एक्स एक्सिस क्वांटिटी डिमांडेड सेम है, ओ वाई एक्सिस प्राइस है, और डी डी यहाँ पे डिमांड कर्व है। नाउ मार्केट डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व का मतलब क्या हो गया, मार्केट में टोटल डिमांड ऑफ कॉमोडिटीज किस प्राइस पे कितनी है उसको हम शो कर रहे हैं कर्व के फॉर्म में, इसलिए उसको हमने क्या कहा, मार्केट डिमांड कर्व, जिसमें हमने ओ एक्स एक्सिस क्वांटिटी डिमांडेड, ओ वाई प्राइस एंड डी डी इज द डिमांड कर्व। अब दोनों में डिफरेंस देखिए,
इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व के ग्राफ में। डीडी कर्व इंडिविजुअल डिमांड कर्व में स्लांटिंग कम है और मार्केट डिमांड कर्व में वो ज़्यादा स्लांट कर रहा है, क्योंकि मार्केट डिमांड कर्व में हमने क्या किया, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स किया, जितने गुड्स कंज्यूमर मार्केट में डिमांड कर रहा है। थैंक यू स्टूडेंट्स।